हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू के चौहान विजन वी आर डूइंग लेसन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम दिस लेसन आई हैव चूज वन मोर क्वेश्चंस फॉर यू द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो किसी कंडक्टर की जो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कोई कंडक्टर है उसमें फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंड करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर ठीक है अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और फिर इसके बाद हम एक अलग क्वेश्चन करेंगे उसमें हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करेंगे इस क्वेश्चन के द्वारा हम फाइंड uh, आउट करेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ठीक है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करते हैं इससे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की फाइंड आउट करेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वट इज फ्लेम इज लेफ्ट एंड रूल्ड वैन वु स्ट्रेच ओवर थम फोर फर्स्ट फिंगर एंड ओवर मिडल फिंगर इन दिस वे कि ईच विल भी प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके इट स्टेट्स वैन वुई स्ट्रेच द थम फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ अवर लेफ्ट हैंड इन ए वे Such that they are mutually perpendicular. The first finger, this one, the first finger points in the direction of magnetic field, the second finger or middle finger, we can say middle finger in the direction of current, and then the thumb. पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ठीक है तो हमने स्टार्ट जो है अगर यहाँ से करें ठीक है वैन वी स्ट्रेच ओवर थम फॉर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ ओवर लेफ्ट हैंड इन इन ए वे सच देट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर Then the middle finger will point towards the direction of current, middle uh, first finger will indicate the direction of magnetic field, and then our thumb will point in the direction of uh, motion or the force acting on the conductor. दिस रूल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वेन वी विल डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर ठीक है तो उसमें ये बहुत रूल काम आएगा तो इस रूल को अच्छे तरीके से हम लर्न कर सकते हैं आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो अपने लेफ्ट हैंड की जो थम्ब है मिडिल फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को ऐसे स्टच करो कि एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर हो जाए तब जो मिडिल फिंगर है वो जो है करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा और जो फर्स्ट फिंगर है वो, वो करंट के आ, कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है कंडक्टर के चारों ठीक है तो उसको शो करेगा और जो थंब है वो उस कंडक्टर के मोशन को या कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है ना उसको बताएगा तो ये क्वेश्चन हमारा फिर दोबारा आएगा जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगी ठीक है तो हमारा ये टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर तो इस वीडियो को भी मैं इलेक्ट्रिक मोटर पार्ट फर्स्ट देखे आ, शायद शो करने वाली हूँ ठीक है ओके बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो